अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और उसमें सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ के जो 9th क्लास के सिलेबस में डिटर्मिनेंट है वो 2x2 का है। 2x2 का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स में कॉलम जो है वो भी 2 हो और रोज जो है वो भी क्या हो, 2 हो, यानी 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है वो हम इस 9th क्लास में फाइंड आउट करेंगे। 3x3 का डिटर्मिनेंट जो है वो 9th क्लास में नहीं है, वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में होगा। तो एक चीज़ और कि जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं वो कौन से मैट्रिक्स का होता है, यानी अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, स्क्वायर का मतलब है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, यानी अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका हम डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस जो डिटर्मिनेंट निकाला जाता है वो सिर्फ स्केल मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो उसमें एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, तो वो हम देख लेते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी आपको ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, सभी में मैट्रिक्स गिवन है, उनका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जैसे ये एक सेकंड मैंने पार्ट यहाँ पे लिखा है कि b=(1, 3, 2, -1), यहाँ पे देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो उस मैट्रिक्स के लिए आप ये 2 लाइंस लगाएंगे, यानी ये 2 लाइंस किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ की इंडिकेशन है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट की अलामत है, डिटर्मिनेंट की इंडिकेशन है। तो इधर देखिए कि बी के अराउंड हमने ये 2 लाइंस लगाई हैं, तो इसका मतलब है कि हम डिटर्मिनेंट किसका निकाल रहे हैं, बी का। तो बी इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि इधर भी हम ये 2 लाइंस लगाएंगे, क्योंकि इधर डिटर्मिनेंट लिया है तो इधर भी हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डायगनल, यानी ये प्राइमरी डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं और ये वाले सेकेंडरी डायगनल के एलिमेंट्स। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो पहले प्राइमरी डायगनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस लगा के फिर आप सेकेंडरी डायगनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले माइनस लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2×3×2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो ये माइनस 2 आ जाएगा और ये 3×2 होके -6, ये -2 और -6 तो आंसर कितना आ जाएगा, -8, यानी इस बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, -8। तो इस तरह हम जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और पार्ट देखते हैं, जैसे 4th पार्ट है d=(3, 2, 3, 2, 1, 4), इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट की जो नोटेशन होती है वो क्या होती है, उसके अराउंड 2 क्या लगा दें, ये लाइंस 3, 2, 1, 4, यानी इधर डिटर्मिनेंट लिया इधर भी लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले प्राइमरी डायगनल के एलिमेंट्स को 3×4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1×2, ये आपके पास आ जाएगा 12, माइनस ये कितना आ जाएगा 2, आपके पास बी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 12 - 2, तो आपके पास जो 10 होगा ये इस बी का क्या है, डिटर्मिनेंट। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो इस तरह हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें अगर वो 0 आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर,
और किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालें वो जीरो के इक्वल ना आए। जीरो के इक्वल का मतलब ना आने का है कि वो 4 हो, 8 हो, -3 हो, -12 हो, जैसे यहाँ पे निकाला था -8, यानी जीरो ना आए। इसके अलावा पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए तो तब वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर। यानी सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, और नॉन सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो ये सेकंड क्वेश्चन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने ये बताना है कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है, ए मैट्रिक्स है 3 6 2 4 3 6 2 4। हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर जीरो आ गया तो सिंगुलर, जीरो ना आया तो फिर नॉन सिंगुलर। तो इसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट 3 6 2 4, डिटर्मिनेंट में करें दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 × 4, फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस लगा के सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को, ये आ जाएगा 12 माइनस ये भी 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12, 2 और 6 को किया तो 12। अब ये प्लस और ये माइनस, आंसर क्या आ गया, 0। हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, आंसर क्या आया, 0। अब 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो गिवन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। आपके पास ए जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसी तरह एक और पार्ट इसमें देखते हैं, जैसे ये थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, सी इज इक्वल टू, सी है 7 - 9, उसके बाद है 3 5। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट 7 - 9 = 3 5। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस लगा के, यानी पहले प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगा के सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये जब भी आपके पास यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये -9, यानी ये 9 जो माइनस का था, तो यहाँ पे आप उसके लिए क्या लगा रहे हैं, आसानी के लिए डायरेक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि जब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया 35, माइनस माइनस प्लस, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 27। यहाँ पे देख लें इसका आंसर सी डिटर्मिनेंट, ये कितना आ रहा है, ये 12। ये आपके पास, यानी दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 35 और 27। ये टोटल मिला कितने बन रहे हैं, 62। अब 62 जो आंसर है ये जीरो तो नहीं है, यानी जीरो के अलावा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो तो वो सिंगुलर होता है, और अगर जीरो ना हो 62 का मतलब क्या है कि वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वो जीरो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो सी इज नॉन सिंगुलर, यानी आपके पास जो सी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर। इस तरह आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, अगर वो इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, खुद
उसका मल्टीपल इटरेटिव इनवर्स अगर हम निकाल सकते हो तो फिर हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो फिर हम उसको नहीं निकालेंगे। तो ये देखें, सबसे पहली चीज मल्टीपल इटरेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीपल इटरेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है, यानी अगर इसको हम रीड आउट करते हैं, ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी जिस मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसका क्या फाइंड आउट करने है, एडजॉइंट, और नीचे उसका क्या निकाल लें, डिटरमिनेंट। एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर देंगे तो जो चीज़ आएगी वो हम क्या निकाल सकते हैं उससे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये वाला सिंपल वर्डिंग में फार्मूला है, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर दें तो वो जो चीज़ आएगी हम उसको बोलते हैं इनवर्स। अब डिटरमिनेंट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वो तो आपको आता है निकालना, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसको देखिए, अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है 2, 4, 3, 6, इसका एडजॉइंट क्या होगा, यानी कैसे निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डी जे। यानी इसका मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हम ए का क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह तब्दील कर दें। यानी एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं कि इन दोनों की प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह को रिप्लेस कर दें, 6 को इधर लिख दें और 2 को इधर, और इन दोनों की जो सिंबल्स हैं जो अलामतें हैं वो चेंज कर दें। ये प्लस का माइनस 4 हो जाएगा और ये प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट। अब यहाँ पर देखें, सिंपल है कि प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स इनकी जगह बदल दें, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, और इन दोनों की अलामतें बदल दें, ये दोनों प्लस के थे माइनस के हो गए, अगर ये माइनस के होते तो ये दोनों क्या हो जाते, प्लस के। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, सिंगुलर का मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, अगर वो सिंगुलर होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर वो नॉन सिंगुलर होगी तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी सिंगुलर का मतलब ये है कि जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए को जब उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा तो किसी भी चीज़ को हम, जब नीचे डिटरमिनेंट जीरो होगा किसी भी चीज़ को हम जीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी अगर हम जीरो पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड का मतलब है हम उसको नहीं निकाल सकते। इसी वजह से अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं निकलेगा। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर का मतलब है उसका डिटरमिनेंट जीरो ना आएगा या जीरो नहीं होगा, तो फिर उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, निकलेगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। यानी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, यानी निकलता है तो। सबसे पहली चीज़ आपने इनवर्स निकालने के लिए उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो फिर वो सिंगुलर होगी और सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर वो नॉन सिंगुलर हुई तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ये पहले दो पार्ट में से हम साइड में देख लेते हैं, b इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 3 और माइनस 5। तो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहली चीज हमने क्या निकालनी है इसका, इसको देखना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के लिए हम उसका डिटरमिनेंट लेंगे, 1, 2, -3 और -5। तो ये डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 × -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस लगा के
ये फार्मूले वाला माइनस माइनस लगा के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। और मैंने बताया था जब माइनस वाली कोई वैल्यू होगी तो उसको ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे। ये प्लस माइनस माइनस फाइव आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस थ्री और टू मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना आ जाएगा सिक्स, माइनस माइनस प्लस और ये सिक्स। अब यहाँ पर देखिए बी जो है माइनस फाइव प्लस सिक्स का आंसर कितना आ रहा है वन, यानी इस बी का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं आ रहा, वो क्या है वन। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी है ये क्या है नॉन सिंगुलर, अगर जीरो आ जाता तो फिर ये होती सिंगुलर, फिर उसका एनालिसिस नहीं करना था। अब ये जीरो नहीं आया है तो इसका मतलब ये क्या है नॉन सिंगुलर, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर लिखने डिटर्मिनेंट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू जीरो सो बी इज नॉन सिंगुलर, यानी इस बी का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं है, सो बी इज नॉन सिंगुलर एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ये जो बी है ये सिंगुलर यानी नॉन सिंगुलर है और इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालते हैं इसका इनवर्स। इनवर्स निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि जिसका भी इनवर्स निकालना है, जैसे यहाँ पे ए का इनवर्स निकालना है तो इस ए का डिटर्मिनेंट ले लें नीचे उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखें बी इनवर्स हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, जिसका इनवर्स निकालना ऊपर उसका एडजॉइंट लें और नीचे उसका क्या कर दें डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखें इस बी का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला होगा, सिर्फ क्या चाहिए इस बी का एडजॉइंट, इस बी का एडजॉइंट ये कैसे निकाल सकते हैं, यानी ये ए एडजॉइंट ऑफ बी, ये मैंने एडजॉइंट लिखा साथ बी का एडजॉइंट लिखा तो साथ बी लिखते हैं। बी क्या है वन टू माइनस थ्री और माइनस फाइव। अब और नीचे क्या है, नीचे आपके पास है इस बी का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट कितना है वन। उसके बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट मैंने बताया ना इन दोनों की जगह चेंज कर दें, माइनस फाइव इधर आ गया और वन इधर, और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें, टू प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस। इधर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इस बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और नीचे क्या है वन, यानी एडजॉइंट ऑफ बी, ये एडजॉइंट बी की जगह हमने वो मैट्रिक्स लिखा, नीचे बी का डिटर्मिनेंट वन, ये हमने निकाला था बी का डिटर्मिनेंट वन, वो नीचे वन लिख दिया। अभी हमने इसका क्या ले लिया एडजॉइंट, यानी इन दोनों की जगह चेंज करके और इन दोनों की अलामतें चेंज करके, अब किसी भी मैट्रिक्स को वन पे डिवाइड करें, यानी किसी भी चीज़ को वन पे डिवाइड करें तो उसका आंसर वैसे का वैसे आ जाता है, यानी वो चीज़ वैसे आ जाती है थ्री और वन। जैसे फोर को वन पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा फोर, इसी तरह इस मैट्रिक्स को वन पे डिवाइड करें तो आंसर ये वाला मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये इस मैट्रिक्स बी का क्या है इनवर्स, तो इस तरह हम क्या है इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन जो थ्री है इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। जैसे डी वाला क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ पार्ट है डी, वो आपके पास है वन बाई टू वन बाई थ्री वन और टू। इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है, इनवर्स के लिए सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया थी कि हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो सिंगुलर होगा तो फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहली चीज हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं,
वन टू। अब डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ये टू से टू कैंसिल, वन माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन ओवर थ्री। अब इसकी डमियन कोई नहीं है तो कितनी होगी, वन। अब वन ओवर वन माइनस वन ओवर थ्री, वन और थ्री का एलसीएम लें वो वन और थ्री का कितना आ जाएगा, थ्री। अब इसको इसको डिवाइड करना है, जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। वन को थ्री पे डिवाइड करेंगे तो आंसर थ्री, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर थ्री। एलसीएम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके बाद ये इसको इन्हीं दोनों का एलसीएम वन और थ्री का थ्री आ गया, इसको इस पर डिवाइड किया जो आंसर आया उसको ऊपर इस वन से मल्टीप्लाई करते हैं। वन को थ्री पे डिवाइड करें आंसर थ्री, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर थ्री। अब इसको इसको डिवाइड करना है, थ्री को थ्री पे डिवाइड करेंगे तो आंसर वन, ऊपर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। और यहाँ पे देखने डी जो है इसका आंसर थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री। अब टू बाई थ्री, जीरो तो नहीं आया, यहाँ पे आप लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉन सिंगुलर, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। यानी डी जो है इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं, और इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, जिसका इनवर्स निकालना है उसका ऊपर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट, यानी आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी। यानी जिसका एडजॉइंट, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ऊपर उसका एडजॉइंट ले दें और नीचे उसके डिटरमिनेंट भी डिवाइड कर दें। अब एडजॉइंट ऑफ डी, ये एडजॉइंट, उसके बाद डी लिखना है, डी है वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन और टू, और नीचे आ जाएगा डी का डिटर्मिनेंट, वो कितना है, टू बाई थ्री। अब इसका एडजॉइंट लें, एडजॉइंट कैसे लेंगे, इसकी और इसकी जगह को चेंज कर दें और इन दोनों की दोनों की जगह चेंज की, ये इधर आ गया और ये इधर, और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दी, तो ये चीज आपके पास क्या है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। और नीचे क्या है, डिटरमिनेंट। अब एक चीज आप थोड़ा सा देखें कि फोर डिवाइड बाई थ्री बाई टू को, तो फोर ये इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें तो ये थ्री बाई टू ऊपर जाके क्या बन जाता है, टू बाई थ्री। यानी ये थ्री बाई टू इस फोर के साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो ये क्या है, उलट जाएगा, थ्री बाई टू की बजाय क्या बन जाएगा, टू बाई थ्री। इसी तरह ये टू बाई थ्री नीचे है, इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टू बाई थ्री क्या बन जाएगा, थ्री बाई टू। ये थोड़ा सा मैं इसको और आसानी के लिए देखता हूँ कि ये टू बाई थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा थ्री बाई टू। यानी टू बाई थ्री है, ऊपर लिखेंगे तो ये थ्री बाई टू। अब यहाँ पे देखिए इस थ्री को इधर लिखा है, इधर लिख रहे हैं, ये चाहे शुरू में लिख रहे हैं तो बाद वही है, सही है, थ्री बाई टू। अब चलें और इसको आसान करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी फोर को, फोर को थ्री बाई टू पर डिवाइड करें, ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो यानी इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें, थ्री बाई टू बन जाएगा टू बाई थ्री। इसी तरह ये नीचे क्या था, टू बाई थ्री,
ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3/2, यानी ये 3/2 हो गए, इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको क्या कर दें, ये 3/2 बाहर है, इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई करें, इसके साथ अलहदा, इसके साथ और इसके साथ अलहदा, सभी के साथ मल्टीप्लाई करें, 3/2 × 2 3/2 × -1/3 ये 3/2 × -1/3 3/2 × 1/2 ये चीज आपके पास आ जाएगी 3/2 × 2 ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 3। इसमें देखें 3/2 × -1/3 तो इसमें 3 से 3 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा -1/2। इसी तरह 3/2 − 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -3/2, यानी 3 − 1 से मल्टीप्लाई होकर -3 और नीचे 2। इसी तरह ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 और नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इस तरह हम जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.5 के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।